अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में आज हमारे पास सेकंड टाइप है बांड की, जिसका नाम है कोवलेंट बांड। हम इसकी डिफाइन पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि ये बांड कैसे बनते हैं। कोवलेंट बांड, द टाइप ऑफ बांड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बांड। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो उन दोनों में ने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। अब ऐसी सिचुएशन कब होती है, देखें, जब इलेक्ट्रॉन देना हो या लेना हो, तो क्या होगा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने की। लेकिन अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में हों, इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हों, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करते हैं, वो फिर इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे पास ग्रुप 15, 16 और 17 ये तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं मोस्टली, और इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेने का ट्रेंड पाया जाता है। ठीक है, अब दोनों ही जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा ना कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, बल्कि क्या करेंगे, मिलके शेयर कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का क्या नतीजा निकलेगा, एक बांड बन जाएगा उनके दरमियान, उस बांड को हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बांड। द टाइप ऑफ बांड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब आपस में दोनों की बाहमी शराकत होगी, कोई एक नहीं इलेक्ट्रॉन दे रहा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने अपने शेयर कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो बांड बनता है वो कोवलेंट बांड कहलाता है। अब टाइप्स हैं हमारे पास कोवलेंट बांड की, उससे पहले हमारे पास एक डिफाइन है बांड पेयर की। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म केमिकल बांड आर कॉल्ड बांड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, बांड पेयर विद लोन पेयर। लोन पेयर अगले वैसे टॉपिक में, अगले डेटिव कोवलेंट बांड में आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, प्रेजेंट ऑन एन एटम, एक एटम के ऊपर मौजूद हो इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, तो उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। मतलब वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया वो लोन पेयर है, और जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया हुआ है वो क्या है, बांड पेयर है। तो ये एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है पेपर में। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स, देखें तो हमारे पास पहली टाइप है सिंगल कोवलेंट बांड। अब नाम से जाहिर है कि एक कोवलेंट बांड बन रहा है, याद रखें एक बांड बनता है ना जब, तो उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, दो एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो उसके नतीजे में एक बांड पेयर बनेगा और उसके नतीजे में एक सिंगल बांड बनेगा। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, हर बॉन्डेड एटम, सिर्फ एक एटम नहीं दोनों ही जितने जुड़े हुए हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलता है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज फॉर्म्ड, उसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, एंड इट फॉर्म सिंगल कोवलेंट बांड, और वो मिलके क्या बनाते हैं, सिंगल कोवलेंट बांड। अ सिंगल लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट सिंगल कोवलेंट बांड, एक सिंगल लाइन इस्तेमाल की जाती है बॉन्डेड एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बांड को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे पास पहली एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको डॉट से लिखा है, दूसरे के पास भी एक है उसको क्रॉस से लिखा है, ये दोनों दरमियान में प्लस का मतलब ये आपस में रिएक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बांड बन जाएगा। उस बांड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच सिंगल बांड एच, ठीक है, या उसको हम क्या लिखते होते हैं, एच टू, लेकिन हम स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो हम ये वाला ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्लोरीन Cl2 की फॉर्मेशन है, इसमें क्या है, क्लोरीन के वैलेंस में है 7 इलेक्ट्रॉन, एक के इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से लिखने हैं, दूसरे के डॉट से। अब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी, उसके नतीजे में क्लोरीन बांड क्लोरीन, यहाँ पे सिंगल बांड बनेगा, क्योंकि बाकी 6 जो हैं वो हिस्सा नहीं ले रहे बॉन्डिंग में, कौन ले रहा है हमारे पास हिस्सा जो है वो, ये एक इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहा है, एक इसका और एक इसका, तो Cl2 बन जाएगा हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं, HCl की अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इधर से क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल बांड बन जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl कहते हैं। अब नेक्स्ट है मीथेन, कार्बन के वैलेंस में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, उसके हमने डॉट से ड्रॉ कर दिए। हाइड्रोजन के वैलेंस में अभी हमने दो बार पढ़ लिया कि एक इलेक्ट्रॉन होता है,
चार हाइड्रोजन जो हैं वो कार्बन के इर्द गिर्द लगा दें और उनका इलेक्ट्रॉन क्रॉस की मदद से शो कर दें। अब रिजल्ट क्या निकलेगा कि इनके दरमियान एक बाड यहाँ पे बनेगा, एक इधर और एक इधर, टोटल चार बाड बनेंगे लेकिन चारों सिंगल होंगे, तो इस वजह से ये सिंगल कोवलेंट बाड ही कहलाएगा, जिसे हम CH4 मीथेन गैस जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डबल कोवलेंट बाड। अब नाम से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कम से कम हर बॉन्डेड एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल लाइन। अब यहाँ पे डबल लाइन इस्तेमाल होगी, वहाँ पे सिंगल थी, यहाँ पे डबल, टू यूज्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डबल कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन में देखें तो वैलेंस में है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एक के 6, दूसरे के भी 6। अब ये क्या करते हैं, अपना दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अब जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो क्या होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इससे बन जाएगा ओ डबल बॉन्ड ओ, या हम क्या लिखेंगे O2। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है इथीन की। इथीन में दो कार्बन होते हैं, या आपने दो कार्बन ड्रॉ करने हैं, कार्बन के इर्द गिर्द आपने चार डॉट ड्रॉ कर देने हैं और दूसरे कार्बन के इर्द गिर्द चार क्रॉस। अब ये दो इलेक्ट्रॉन के पेयर, ये वाला और ये वाला, ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर हो जाएगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल, कार्बन कार्बन। अब हमारा मेन मुद्दा जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है, सिंगल वाले तो बन रहे हैं नो डाउट, लेकिन हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है। इसे हम कहते हैं इथीन, ये इथीन का एक मॉलिक्यूल है, और ये है हमारे पास मीथेन। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब तीन लाइनें इस्तेमाल करेंगे हम किस चीज़ के लिए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोजन N2 की फॉर्मेशन की। यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने बॉन्डिंग में इस्तेमाल करेगा, तो एज अ रिजल्ट 3 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे और वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं N2। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन कार्बन क्या करेगा, दरमियान में 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर करेगा, ठीक है, हर कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक इधर, तो टोटल कार्बन कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3। बाकी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये मिलके हमारे पास ये मॉलिक्यूल बना देगा, इसे हम कहते हैं इथाइन। इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, इथाइन, या इसी को हम एसिटाइलीन भी कहते हैं। बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसका फायदा क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने का मकसद क्या था कि एटम्स अपने वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी कर लें, नोबल गैसेस के जैसी, ठीक है, हर एटम चाहता है कि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो, नोबल गैसेस के जैसी, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन लेगा देगा या शेयर करेगा ताकि वो क्या कर ले अपनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस। और ये था हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है और कितने बॉन्ड पेयर फिर हिस्सा लेंगे उस लिहाज से हमारे पास सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड पेयर होता है, डबल में दो बॉन्ड पेयर होते हैं और ट्रिपल में 3 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।